तुम भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हो ना कि भाई मैं तैयारी करता हूँ, मैं चैप्टर के नोट्स रिवाइज भी करता हूँ, रेगुलर सॉल्विंग भी करता हूँ, बट जेई के मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आते। और यही सोच सोच के दिल भी टूट जाता है कि जब जेई के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो जेई में नंबर कहाँ से आएंगे। वेल लेट मी टेल यू, एक बच्चा था राजू, उसने बहुत तपस्या की और ये वरदान ले लिया कि जेई के पिछले दिन का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो ताकि मैं एक एक चैप्टर को रिवाइज कर पाऊँ। वेल, उसने एक एक चैप्टर के नोट्स को रिवाइज किया एक दिन पहले, एक एक चैप्टर के 100 100 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, बट फिर भी जेई में नंबर नहीं आए उसके अगले दिन, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग इट राइट। एंड परहैप्स सेम इज गोइंग टू हैपन विद यू अगर आपने आज उस चीज को ठीक नहीं किया जो मैं बताने वाला हूं। अगर तुम जेई का पेपर देने जाओ और वहां पे नोट्स अलाउड हो एंड वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हो कि तुमको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने आधा क्वेश्चन ठीक किया है तो हम समझ लेंगे कि तुमको क्वेश्चन आता है, तुम आंसर निकाल दोगे और हम तुमको +4 मार्क्स दे देंगे। ऐसा अगर कुछ हो तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। बट अफसोस, ऐसा होने नहीं वाला। जेई वाले दिन एक रैंडम चैप्टर के रैंडम क्वेश्चन का जिक्र होगा जहां पे तुम्हें कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी जब तक आंसर मैच ना करे। तो जरा ध्यान से देखना कि क्या तुम अभी भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो, चैप्टर के नोट्स पढ़े फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाए, या तुम मिक्स सॉल्विंग करना सीख चुके हो। क्या तुम अभी भी आधा क्वेश्चन करते हो और आगे सॉल्यूशन देख लेते हो कि हाँ आगे यही करना था, मैंने भी यही किया हुआ सॉल्यूशन में, मतलब मुझे आता है, मतलब मैं पेपर में कर दूंगा, तो चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, या तुम पूरा सॉल्व करते हो जब तक ऑप्शन मैच ना करे। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि आप किस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्या जेई में वही आने वाला है या आप अलग चीज की प्रेपरेशन कर रहे हो जो शायद जेई में होने नहीं वाला। आज ध्यान दे दीजिए ताकि बाद में पछतावा ना करना पड़े। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।